जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्रम आज़ाद और आप देख रहे हैं खुर्रम आज़ाद चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है मिलती रहें। जी तो आज हम बात करेंगे पनाहगा फैसलाबाद के बारे में। पनाहगा फैसलाबाद जो है वो हुकूमत का बड़ा आसान कदम है और मौजूदा जो है इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो पहले ही लाहौर में, पेशावर में और इस्लामाबाद में जो है वो लोगों के लिए पनाहगाहें बना चुकी है। ये तो यानी कि सारी आवाम के लिए, सब लोगों के लिए बड़ा आसान कदम है, खुसूसन तुलबा के लिए बहुत ही ये बड़ा ज़बरदस्त मनसूबा है। यानी कि तुलबा जो है वो मुख्तलिफ अपने कामों के लिए यानी देहातों से और दूसरे शहरों से आते हैं, बड़े शहरों में आते हैं, तो उन्हें रहायश का बड़ा मसला बनता था। तो अब जो है वो रहायश का मसला जो है वो उसको दूर किया गया है। यानी कि तुलबा जो हैं वो अब आराम से आके अपनी मुलाजमत तलाश करें या और भी कोई काम करें तो वो आराम से आके रात को ठहर सकते हैं। और फिर पनाहगाह में आपको साफ़ सुथरा बिस्तर मुहैया किया जाता है और ना सिर्फ रहायश मुहैया की जाती है बल्कि रहायश के साथ आपको तीन वक्त का खाना भी दिया जाता है। बाकी इसके अलावा ये है कि इसमें यानी कि आपको उसके साथ रहायश के साथ छोटी सी मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के लिए, वजू खाना है और फिर इसके साथ यानी कि बेहतरीन वाशरूम का सिस्टम है। यानी कि बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है। ये अभी फैसलाबाद में है तो इसके अलावा आइंदा गवर्नमेंट का मनसूबा जो है वो आइंदा जो पाकिस्तान के जो अभी फैसलाबाद के बाद जो बड़े बड़े शहर हैं उन सब शहरों में पनाहगाहें बनाने का फैसला है, गवर्नमेंट का इनके फैसला है, ताकि लोगों को बेहतरीन सहूलियात जो है वो मुहैया की जाएँ। फिर इसकी अहमियत जो है मौजूदा जो कि सर्दी का मौसम है इसमें और भी बढ़ जाती है। यानी कि सर्दी के मौसम में रहायश जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। गर्मी में तो आदमी यानी कि थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, यानी कि रहायश की ज़रूरत जो है वो उसको यानी कि गुजारा कर लेता है बंदा गर्मी में, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल गुजारा जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। गर्मियों में भी गुजारा नहीं होता लेकिन सर्दियों में और मुश्किल हो जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं पनाहगाह फैसलाबाद। Oh.
ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਬਸ